सपा के प्रवक्ता राजीव राय पहुंचे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करने के लिए, उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अलीहाबाद के पास राजीव राय व उनके कार्यकर्ताओं ने किया सांकेतिक उद्घाटन। मौके पर जिले के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक अधिकारी मौजूद रहे। मऊ से संवाददाता कमलेश कुमार पाल की रिपोर्ट। का जो सपना था, इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली से लेकर पूर्वांचल के आखिरी जिले को जोड़ने का काम किया था, उसको समाजवादी पार्टी के काम को योगी और मोदी आधे अधूरे काम को चुनाव से पहले उद्घाटन करके जो लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जिन्होंने 4.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिला जिसका शिलान्यास उद्घाटन किया हो, उस समाजवादी पार्टी के लोगों को हम याद दिलाना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि ये सपना अखिलेश यादव का है। 340 किलोमीटर की दूरी पर इज्जत घर की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी ने किसी माता बेटी बहन के लिए शौचालय का निर्माण कराने नहीं आया। क्या मोदी जी योगी जी बताना चाहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी माता बेटी बहन को 340 किलोमीटर में शौचालय आ जाएगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, कोई सुविधा नहीं है? इस काम को भी समाजवादी पूरा करेंगे, मैं आज बताने आया हूँ। क्या किया गया यहाँ पे? हमने सांकेतिक रूप से उद्घाटन किया, भव्य उद्घाटन सरकार में आने के बाद पूरे काम को कंप्लीट करके किया जाएगा। पुलिस तो चारों तरफ लगी थी, कैसे आ गया? पुलिस आने तो पुलिस का काम है, पुलिस भी अब हमारे साथ है, पुलिस समझ रही है, पुलिस समझ रही है कि इनके गए हुए दिन हैं। समाज का कोई हिस्सा नहीं है, सरकारी विभागों का कोई ऐसा विभाग नहीं है जो इनके जाने का इंतजार न कर रहा हो।